Good morning students of class 3rd, welcome to online class student. This is your maths class. I'm your maths teacher. So student, today we will study your chapter 10, measurement of mass. इसका मतलब होता है measurement नहीं होता है मापना, okay? Of mass माने द्रव्यमान का मापक कैसे होता है. तो student चलिए start करते हैं. We weight an object to find out how heavy दो ऑब्जेक्ट इज. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है, हमें मेजर करना है कि ये कितनी हैवी है, कितनी भारी. वी यूज ग्राम्स एंड किलोग्राम. तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे ग्राम का एंड किलोग्राम का. ओके, टू फाइंड आउट हाउ हैवी थिंग्स आर, ये देखने के लिए कि ये जो चीज है वो कितनी हैवी है. ओके, वी यूज ग्राम टू वेट लाइटर ऑब्जेक्ट लाइक लीफ, पॉपकॉर्न, बुक एंड अ पेन. वी यूज ग्राम, हम ग्राम को यूज करेंगे वेट करने के लिए. से कोई भी हल्की चीज है, जैसे कि ऑब्जेक्ट, हल्का ऑब्जेक्ट है कोई, जैसे कि लीफ है, पॉपकॉर्न है, बुक है एंड अ पेन है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राम का यूज करेंगे क्योंकि इनका वेट कम होता है. ओके, इतने ग्राम में. बट वी यूज किलोग्राम, हम किलोग्राम का कब यूज करेंगे, टू वेट हैवियर. अगर किसी चीज का वेट हैवियर है, कोई हैवी ऑब्जेक्ट है जैसे कि मोटरसाइकिल है, बैग है ऑफ राइस, चावल का बैग एंड अ टेलीविजन और टीवी है, तो इसका वेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, किलोग्राम का. ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा, हल्की चीज के लिए हम यूज करते हैं ग्राम का और भारी चीज के लिए किलोग्राम का. तो वी राइट जी फॉर ग्राम. अगर जी लिखा हुआ आता है, आपने देखा होगा शॉर्ट में, उसका मतलब होता है ग्राम. एंड के जी लिखा हुआ आता है तो उसका मतलब होता है किलोग्राम. ओके, तो इसमें वी यूज अ बैलेंस एंड वेट टू वेट थिंग्स. हम क्या करते हैं, हम बैलेंस करते हैं और वेट करते हैं टू वेट थिंग्स, जो चीज होती है उसका. तो देखो आप इसमें देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये सारे जो जितने भी है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये ग्राम के रखे हुए हैं. पहले आपने शायद किसी ने बच्चे ने देखा होगा, पहले ऐसे मेजर करने के आते थे, अभी भी आते हैं. तो ये हमारा कितने ग्राम का है, 50 ग्राम, ये 100, ये 200, ये 500, उसके बाद 500 के बाद फिर प्लस 500 होता है 1 kg, 2 kg, 3, 5 kg, 10 kg, 20 kg और 50 kg. ओके स्टूडेंट्स, आप वो भी आपको समझ आ गया होगा. चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं. आप देखिए क्या होता है, 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम जब मिल जाता है, जब हमारा 1000 ग्राम इकट्ठा हो जाता है, कोई भी चीज हो 1000, तो वो हमारी हो जाती है फिर 1 kg. ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा. सेम ऐसे ही 1 kg बराबर हमारे क्या हो जाता है, 2 halves हो जाते हैं, तो 500 ग्राम हो जाते हैं. 1 kg में हमारे 500 ग्राम के भी हो जाएंगे, और 1 kg में हमारा 10, ठीक है, 100 ग्राम का. ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे. तो चलिए सेम ऐसे ही आपको करना है कन्वर्सेशन फ्रॉम किलोग्राम टू ग्राम. हमें क्या करना है, इसमें किलोग्राम को कन्वर्ट करना है टू ग्राम में, है ना. तो क्या करते हैं, जब कन्वर्ट करते हैं, व्हेन वी नीड अ कन्वर्ट किलोग्राम इनटू ग्राम, वी मल्टीप्लाई बाय 1000. कितने का मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, 1000 का. ओके, तो चलिए कैसे करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई. देखिए ये 1 kg है, 1 kg बराबर 1000 ग्राम. 6 kg इज इक्वल टू, एक सेकेंड, पेन नहीं चला, देखिए 6 kg है ना, है हमारा इज इक्वल टू 6 में क्या करेंगे, 1000 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 6000 ग्राम. ओके स्टूडेंट, ऐसे करना है. जैसे और देखते हैं एग्जांपल, देखिए और देखते हैं, देखिए अभी आपको दिया है, यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं. हमें कन्वर्ट करना है 15 kg को, तो 15 kg हमने लिया, 15 kg को किस में करना है, चेंज करना है टू ग्राम में. ओके, ग्राम थोड़ा सा दूर बना देती है, ग्राम में किसको चेंज करना था हमें, 15 kg को. तो हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे 15, हमारा 1 ग्राम बराबर कितना है, 1 kg बराबर कितना है, 1000 ग्राम. तो 15 इंटू क्या हो जाएगा, 1000,
ग्राम, तो ये हो जाएगा 15,000 ग्राम। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से, है ना। साफ करके लिख देते हैं, ठीक है। चलिए सेम ऐसे ही अब आपको एक्सरसाइज अपनी 10.1 को करना है। कैसे करना है, ये दिया है 9 kg इज इक्वल टू दिया है ग्राम, 9 kg को ग्राम में करना है। तो कैसे होगा स्टूडेंट बताइए, 9 kg को ग्राम में करना है। तो 9 हमारा 1 kg बराबर क्या है, 1 kg इसको ओके हमारा 1 kg बराबर है 1000 ग्राम। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा ऐसे 9 × 1000 ग्राम इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 9000, फिर केजी नहीं रहेगा, 9000 ग्राम आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, जी आपको समझ आ रहा होगा, सेम ऐसे ही करने हैं आपको सारे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक करना है। एक और मैं आपको समझा देती हूँ, बी वाला, बी देखिए आपका, बी में है आपका स्टूडेंट, सेम ऐसे ही आपको करना है। बी में भी आपको ऐसे करना है, बी है आपका 13 kg, 13 kg में आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 का। तो जब 13 kg में हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13,000 kg। ओके स्टूडेंट्स, आई होप जो मैंने अभी आपको ये समझाया है एक्सरसाइज आपकी 10.1 आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, आपको उसे होमवर्क में करना है। ओके, थैंक यू।